चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, हमारे द्वारा यहां पे आपसे क्रमिक रूप से बातचीत किया गया एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण भागों पर। आज हम यहां पर आपसे बात करेंगे एनवायरनमेंट के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है भोजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए और यहाँ पर ध्यान देंगे कि आप अगर पिछले साल के पेपर को उठा करके देखें तो पिछले साल के पेपर का जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं अब विषय वस्तु में झुकाव देने लगा साइंस के टर्म पे। साइंस के टर्म के आधार पे अगर हम बात करें तो वो मूल विज्ञान नहीं पूछता है, वो जो सिलेबस में दिया है, भोजन दिया है, जल दिया है, इन सभी चीज़ों का जो बायोलॉजिकल आधार है, जो यहाँ पे जीवी आधार है, उसी आधार पे यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम चर्चा करते हैं भोजन पे। और सबसे पहले अगर हम मूल रूप से यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि भोजन किसे कहते हैं, तो सबसे प्रारंभिक स्तर पर यहाँ पर बातचीत होगी हमारी कि जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला बात पता चला कि जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर यदि इस ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हो तो ऐसी दशा में जीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे सीधे तौर पर अब अगला कि जीव को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो जीव को ऊर्जा उसके भोजन से मिलती है। अब इस आधार पे हम भोजन किसे कहेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वसा प्रोटीन इत्यादि पदार्थ मिले हुए हो और जो जीव के ग्रहण करने योग्य हो, किस योग्य हो, जीव के ग्रहण करने योग्य हो, वह उसका क्या कहलाता है साहब, भोजन कहलाता है। देखिए, हमने बड़े क्रमिक रूप से यहाँ पे अवधारणाओं को स्पष्ट किया कि जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और जीव को यदि ऊर्जा की पूर्ति ना हो तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जीव को जो ऊर्जा मिलती है वो उसके भोजन से मिलती है। और जीव का भोजन किसे कहेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वसा प्रोटीन विटामिन इत्यादि तत्व मिले हुए होते हैं और वो इस मात्रा में मिले हुए हों कि जो जीव के ग्रहण किए जाने योग्य हों, इसे ही हम जीव का क्या कहते हैं साहब, भोजन कहते हैं। क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अगले क्रम पे बात करेंगे कि आप देखिएगा कि जो जीव के यहाँ पे सिर की संरचना और उनके जो दांत होते हैं, ये दो के दोनों भोजन के आधार पर प्रभावित होते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले नंबर पर यदि अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं गाय के लिए। तो देखिएगा, गाय के मुख्य रूप से दो प्रकार के दांत होते हैं। एक होते हैं आगे के उसके छोटे दांत, और इस छोटे दांत की विशेषता यह होती है कि घास और भूसा को वो सुरक लेती है अपने अंदर, किससे, छोटे दांत से। गाय के दांत की जो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि गाय आगे के दोनों छोटे दांत से घास और भूसा को क्या कर लेती है, सुरक लेती है। और यदि इसी गाय के अगले क्रम की हम बात करें तो अगले क्रम पे कहते हैं कि इसके जो आगे के बड़े दांत होते, कौन से दांत, बड़े दांत होते हैं, ये क्या किस लिए होते हैं, तो ये चबाने के लिए या चबा कर खाने के लिए होते हैं। देखिएगा, किसी एक जीव के बारे में हमने बात किया, कौन सा जीव है, गाय है, और इस गाय के दो प्रकार के दांत, एक छोटे दांत और एक बड़े दांत होते हैं। आगे के जो दोनों छोटे दांत होते हैं ये सुरक लेता है, कैसे, आप अगर कभी दाल चावल खा रहे हैं और आपको जल्दी में खाना, जल्दी कहीं निकलना है, या दाल चावल में दाल की मात्रा ज़्यादा हो, चावल की मात्रा कम हो, ऐसी दशा में आप भी अपने खाने को क्या करते हैं, सुरक लेते हैं, जल्दी यही तो करते हैं। तो यहाँ पे यही काम है किसका, उसके दोनों छोटे दांत का। और यहाँ पर बात करें तो ये घास भूसों को चबा कर खाने के लिए उनके बड़े दांत होते हैं। अगले क्रम पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम देखेंगे शेर को
बाघ को, चीता को, शेर, बाघ, चीता, और यहाँ पर ध्यान देंगे कुत्ते की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनके दांत की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, कि जिससे वे अपने शिकार को क्या करके खाएं, फाड़ कर खाएं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे जीव जैसे शेर, बाघ, चीता, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, इनके दांत कुछ इस प्रकार से होते हैं, या इनके दांत की संरचना भोजन को किस प्रकार से खाने की होती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इनके दांत की जो संरचना होती है वो फाड़ कर खाने के लिए होती है। अगले क्रम पर हम यहाँ पर बात करेंगे आपसे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगले क्रम पे यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम आता है, और वो नाम है क्या, कबूतर। कबूतर, इस कबूतर के क्रम में हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि कबूतर के चोंच की सं कबूतर को क्या पाया जाता है, दांत ना पाया जाता बल्कि क्या पाया जाता है, चोंच पाया जाता है। तो कबूतर के चोंच की संरचना कैसी होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कबूतर का चोंच होता है वो अंदर की ओर से नुकीला और यहाँ पे चबाने लायक होता है। जैसे हमारे आपके मुख में जीभ, जिह्वा पाई जाती, जीभ पाया जाता है, उसी प्रकार एक ऊठी संरचना चोंच के अंदर पाई जाती है। जब भी कबूतर कोई दाना अपने चोंच में दबाता है तो आपने देखा होगा कि बहुत देर तक उसको वह अपने उस चोंच को चलाता रहता है। तो ये क्या करता है कि कबूतर के चोंच की संरचना ऐसी होती है जिससे वह दाने को पीस कर खाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या करके, पीस कर खाता है। तो यहाँ पे अगर हम कबूतर की बात करें तो कबूतर अपना दाना कैसे खाता, निकल करके नहीं खाता, इस बात को आप ध्यान देंगे। अगले क्रम पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि मनुष्य की बात करेंगे, मनुष्य की। तो मनुष्य के दांत की विशेषता जो होती है वो मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है। इस चार प्रकार में देखेंगे कि मनुष्य अपने खाने को चबा कर खाता है, काट कर खाता है, और यदि हम बात करें तो यहाँ पर पीस कर खाता है, पीस कर खाता है, बात करें तो यह यहाँ पर फाड़ कर खाता है। तो ये मनुष्य के दांत की संरचना ऐसी होती है जिसे चबा कर, काट कर, पीस कर, फाड़ कर इत्यादि प्रकार से खाता है। अब अगर हम कुछ और यहाँ पर विशेष अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ और भी जीव हमारे हैं जिनके दांतों की संरचना हमें जाननी होती है। तो इस संरचना में हम सबसे पहले अगर हम अन्य की बात करें यहाँ पर, तो हम देखते हैं, बात करेंगे सांप की। सांप के, सांप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे सीधे तौर पे कि सांप के दांत पाए जाते हैं, सांप के दांत पाए जाते हैं। प्रश्न उठता है क्या ये अपना भोजन इसी दांत से करता है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं, ये सांप अपने दांत से भोजन नहीं करता, बल्कि इसका प्रयोग यहाँ पे भोजन को पाने के लिए क्या करता है, इस दांत से आक्रमण करता है। बाकी यह भोजन कैसे करता है, तो साहब ये भोजन सांप निगल कर करता है। इतनी बात तो क्लियर हो रही। नेक्स्ट अगर हम बात करें चील की, अगर और हम बात करें यहाँ पे चील हो गया, बाज हो गया, ये जो हमारे जीव होते हैं इनके चोंच की संरचना ऐसी होती है जिससे ये यहाँ पर क्या करें कि फाड़ कर अपने शिकार को खाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपसे भोजन के, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये भोजन का पार्ट वन है, ये भोजन का पार्ट वन वीडियो है। और इसी के अगले क्रम में हम यहाँ पे फिर से मुलाकात करते हैं भोजन के आगे के और कुछ बायोलॉजिकल टर्म के साथ। थैंक यू।